हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर देखा होगा, है ना, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें कि किसी सिलिंड्रिकल कंटेनर को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है ना। जब रोटेट कराया जाता है तो उसमें हमने एक डेरिवेशन किया है जिसमें ये बताया है कि लिक्विड सरफेस जो है वो पैराबोलिक शेप एक्वायर कर लेता है, और जो लिक्विड सरफेस का मैक्सिमम और मिनिमम हाइट होता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g होता है ना। जैसे ये देखेंगे सिलेंडर जो है यहाँ पर, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस सिलेंडर का रेडियस अगर आर है ना, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है लिक्विड सरफेस का, ये रेड कलर से जो है लिक्विड सरफेस दिखाया गया है, तो लिक्विड सरफेस का मैक्सिमम हाइट ये है और जो मिनिमम हाइट है वो देख सकते हैं यहाँ पर है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये एच हमें फाइंड करना है ना। तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ये डिराइव कराया है, इसकी वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इस क्वेश्चन में यही हाइट एच पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको कुछ भी इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर बताएंगे, ठीक। अगर किसी ने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आता है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ सिलिंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, फाइंड हाइट एच एज शोन। हाइट एच जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट जो है लिक्विड सरफेस का और मिनिमम हाइट जो है लिक्विड सरफेस का, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस है हाइट एच, है ना। तो ये एच फाइंड करना है। कहा गया फाइंड हाइट एच एज शोन एट विच वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो कंटेनर जिस स्पीड से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड से वाटर भी रोटेट कर रहा है ना। आपने देखा होगा कि जब कंटेनर को रोटेट कराते हैं तो बीच में एक गड्ढा बन जाता है ना, जैसे एक बाउल होता है, कटोरी होती है, वैसा शेप बन जाता है। तो वैसा ही शेप यहाँ पर हमने बनाया है ना। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो हाइट है वाटर सरफेस का, उसके बीच का डिफरेंस निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस लिक्विड सरफेस पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, है ना। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जिसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये जिस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वाटर सरफेस है वो पैराबोलिक शेप एक्वायर कर लेता है, उसका भी एक डेरिवेशन है ना। तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको ये ड्राइव करवाता हूँ एच की वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि ये एक्स वाई एक्सिस बन गया है तो ये जो पॉइंट है जो मैंने लिक्विड सरफेस के ऊपर लिया, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। यानी वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा कितना, एक्स। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और वो भी एक्स रेडियस के सर्किल में इस तरह से घूम रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा इसके मॉलिक्यूल का वेट एम जी, ठीक है, और राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, चूंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पर एक्स के इक्वल है तो मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दूंगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करते हैं या हम लोग कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर भी एक्चुअली में घूम रहा है, तो रोटेशन कर रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा इसका, ये जो पॉइंट है इसका ओमेगा स्क्वायर एक्स है, यहीं पर सपोज एक ऑब्जर्वर बैठा है तो ये इस एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा, तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे राइट वर्ड डायरेक्शन में, मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर,
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये एमजी दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट कहीं आएगा इधर नीचे, ये आ रहा है, ठीक है। यहां पर जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये टेंजेंट कहीं एक एक्सिस पे इधर जाकर मिलेगा। मान लेते हैं ये एक एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा आएगा, मतलब एम जी और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इनके बीच का एंगल भी ये थीटा आएगा। ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, है ना। मैं ये डायग्राम दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक्चुअली में टेंजेंट है, यहाँ से एम जी लग रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, और ये है रिजल्टेंट आर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये थीटा है एक्स एक्सिस से रिलेशन टेंजेंट का, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये फिर थीटा हो जाएगा, है ना। तो चूंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एम जी को ऐड करने से। एम जी आएगा नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे है, हेड और टेल मिला रहे हैं हम लोग, है ना, और फिर फ्री टेल से फ्री मिला देंगे, ये रिजल्टेंट होगा आर, ये एंगल थीटा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो टैन थीटा है उसकी वैल्यू आएगी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई एम जी, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एम जी। तो एम और एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो टैन थीटा है एक्चुअली में, चूंकि देखेंगे कि ये जो टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो टैन थीटा आएगा, और स्लोप हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से भी लिखते हैं, है ना। तो डी वाई जो है यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये जीरो से आर और ये जीरो से एच, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखेंगे डायग्राम ना ऊपर। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो जीरो है और y का वैल्यू भी जीरो है। इस पॉइंट पर जाएंगे, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर x का वैल्यू r है और y का वैल्यू h है ना, इस पॉइंट पर। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x का वैल्यू जीरो से r तक और y का वैल्यू जीरो से h तक। तो इंटीग्रेशन करके हम लोग आर और एच में रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। वैसे पैराबोला क्यों आएगा, यहां से अगर आप इंटीग्रेट करके देखें तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, ये पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने बताया किस लिए, पैराबोलिक शेप बताने के लिए। हमें यहाँ शेप निकालना नहीं है, हमें तो ये h और r में रिलेशन निकालना है। तो इस साइड में आएगा h और इस साइड में आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखेंगे तो r स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर देखेंगे कि g है, ये g छूट रखा है इधर, तो यहाँ पर g भी रहेगा ना, यहाँ भी g। तो h का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कितना आया है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी, और यही जो है यहाँ पर आंसर होना चाहिए, जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और मैंने बताया था कि जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ड्राइव करवाया है वो पहले से ही मैंने बता दिया था कि एच का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी होता है, ये हमने अपने वीडियो लेक्चर में ड्राइव कर रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, वैसे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें मैंने बताई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, दो तीन क्वेश्चन कराए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आईटीजेई में सवाल पूछे गए, इससे पहले दो बार पूछे गए हैं और ये तीसरी बार है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है ये तीसरी बार है, ऐसा हो सकता है कि कोई और भी होगा जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा हो, लेकिन कम से कम तीन बार तो पूछे गए हैं इससे रिलेटेड।